जांजगीर जिले के जिला मुख्यालय कचहरी चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लाइवलीवुड कॉलेज के नोडल अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन का पुतला फूंका। उन्होंने भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों के अधिकारियों से साठगांठ होने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से जांच की मांग की है। जांजगीर चांपा जिले के गरीब बच्चों को टेक्निकल और रोजगार मूलक योजना का लाभ दिलाने के लिए लाइवलीवुड कॉलेज संचालित किया जा रहा है, जहां विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। भाजयुमो ने लाइवलीवुड कॉलेज के नोडल अधिकारी विजय पांडे के खिलाफ मधुमक्खी पालन के लिए जिन महिलाओं का प्रशिक्षण देने कागजी कार्रवाई कर शासन को चूना लगाया गया था, उस प्रशिक्षण को ही भाजयुमो ने फर्जी बताते हुए कलेक्टर को दस्तावेज सौंप कर दोषी नोडल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन का पुतला दहन किया। भ्रष्ट अधिकारी विजय पांडे, जो कि नोडल अधिकारी है लाइवलीवुड कॉलेज में, उनके द्वारा 52 लाख का फर्जीवाड़ा कर मधुमक्खी प्रशिक्षण, मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण दिया गया था, जो कि कागज में ही दिया गया था, जो कि जमीनी स्तर पर कुछ भी प्रशिक्षण नाम का चीज नहीं है। उस पर हम लोग जांच किया और पूरा जांच करके जो फर्जीवाड़ा सामने आया, फर्जीवाड़ा का साथ पूरा कागज पेपर लेकर के युवा मोर्चा द्वारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया था। शिकायत भी किया इसके लिए और लाइवलीवुड की बात नहीं और कई प्रकार के, और हमने जैसे आदिम जाति हो गया और कई विभागों के लिए हमने काला चिट्ठा उनका खोला है, मगर यह शासन तो भ्रष्ट ही है जो किसी पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बस टीम बना दिया है खाना पूर्ति करने के लिए और किसी प्रकार का अब तक कार्रवाई नहीं हुआ है। महिलाओं का सम्मान करती है भूपेश बघेल करके बड़े बड़े पोस्टरों में छपाया जाता है, मगर उनका फर्जी हस्ताक्षर करके 52 लाख एक अधिकारी खा गया, मगर उस पर भी कार्रवाई नहीं हुआ। भाजयुमो ने लाइवलीवुड प्रशिक्षण घोटाले को लेकर 2 नवंबर को कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें घोटाले से संबंधित समस्त दस्तावेज संलग्न किए गए थे। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम के नेतृत्व में जांच टीम गठित की थी, लेकिन अब तक मामले में जांच आगे नहीं बढ़ सकी। यही वजह है कि उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रैंड एसएन न्यूज के लिए जांजगीर से महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।